हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीड टू नेट। आई होप आप लोग सब सेफ होंगे, ठीक होंगे अपने अपने घरों में। तो आज हम पढ़ेंगे इंक्लूसिव स्कूल का यूनिट 2 चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ योर पैडागॉजिकल अप्रोचेस फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। करिकुलम अडेप्टेशन पढ़ेंगे हम, इसमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्या होती है उसके बारे में जानेंगे, डेवलपिंग एंड यूजिंग स्पेशली डिजाइंड रिसोर्स मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे, कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे, टीम टीचिंग क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, मीन्स ऑफ क्रिएटिंग डिसेबल फ्रेंडली एनवायरमेंट इन स्कूल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पैडागॉजिकल अप्रोचेस की, कि पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पैडागॉजिकल अप्रोचेस होती क्या है। तो ये बहुत सारे मेथड्स होते हैं, वेरियस मेथड्स होते हैं, स्ट्रेटजीज होती हैं, टेक्निक्स होती हैं जो टीचर यूज़ करता है अपनी टीचिंग को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए और बच्चों की लर्निंग को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए। ठीक है, ये बहुत सारे टाइप्स की होती हैं, मतलब कि इसमें सब चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं कि किस तरह से हमने बच्चों को पढ़ाना है, मतलब कि इंस्ट्रक्शनल मेथड क्या होना चाहिए, कि मुझे लेक्चर मेथड के थ्रू पढ़ाना है बच्चों को, या मुझे उनको प्रेजेंटेशन के थ्रू पढ़ाना है, मुझे उनको एक्सपेरिमेंट करके एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करानी है, कैसे करवानी है, ये सब चीज़ें जो है वो पैडागॉजिकल अप्रोचेस में आएंगी। लर्निंग स्टाइल कैसा होगा वो भी इसमें आएगा। लर्निंग स्टाइल मतलब बच्चा जो है वो ज़्यादा देख कर समझ रहा है, सुन कर समझ रहा है, या फिर हैंड्स ऑन एक्टिविटी के थ्रू समझ रहा है। तो हमें इससे लर्निंग स्टाइल्स का भी पता चलता है कि किस बच्चे के लिए किस तरह का लर्निंग स्टाइल हमें अडॉप्ट करना चाहिए। और इसमें बहुत सारे वेज होते हैं, बताए जाते हैं, जिसके थ्रू हम ये जान सकते हैं कि हम कैसे अपनी एजुकेशनल प्रोसेस को इतना इंटरेस्टिंग बनाएं कि जो बच्चे हैं वो उस प्रोसेस में क्या रहें, एंगेज्ड रहें। तो इन शॉर्ट पैडागॉजिकल अप्रोचेस क्या हैं, ये वो वेरियस मेथड्स हैं या टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू टीचर जो है अपनी टीचिंग को और ज़्यादा बेटर बना सकता है ताकि बच्चों की लर्निंग जो है वो इफेक्टिव हो सके। और ये अप्रोच जो है इसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शनल मेथड्स होते हैं, लर्निंग स्टाइल्स होते हैं, और वेज बताए गए हैं कि कैसे हम बच्चों को जो है वो पूरी टीचिंग प्रोसेस में या लर्निंग प्रोसेस में एंगेज रखें। जो एम होता है पैडागॉजिकल अप्रोच का वो ये होता है कि जो भी हम लर्निंग एक्सपीरियंस बच्चों को प्रोवाइड करवा रहे हैं, एक तो वो कैसा हो, मीनिंगफुल हो। मीनिंगफुल का मतलब है कि जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को उसका कुछ फ़ायदा भी तो होना चाहिए, उनको उसका कोई सेंस भी तो होना चाहिए, मीनिंग भी तो होना चाहिए। मीनिंगलेसली हम थोड़ी ना बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि टीचर बच्चे को कुछ भी पढ़ाया जा रहा है जिसका कोई सेंस ही नहीं है, जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है। तो हम पैडागॉजिकल अप्रोचेस इसलिए अडॉप्ट करते हैं ताकि हम बच्चों की नीड्स को देखेंगे, फिर उसके हिसाब से हम उनको पढ़ाएंगे। अब मान लो कोई आपका विजिबली जो डिसेबल्ड बच्चा है जिसको दिखाई नहीं देता है, अब आप उसको चॉकबोर्ड पे या पीपीटी के थ्रू जो है वो रिटन फॉर्म में बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो उसका कोई सेंस थोड़ी ना बन रहा है। ठीक है, उस बच्चे के लिए वो मेथड है ही नहीं सुइटेबल। तो आपको पैडागॉजिकल अप्रोच बताती है कि जैसी बच्चे की नीड है आपको वैसे बच्चे को क्या कराना है, पढ़ाना है, ताकि जो लर्निंग प्रोसेस है वो इफेक्टिव हो सके। साथ में इसमें हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी इंक्लूड करते हैं जिससे कि बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है वो फॉस्टर होती है, मतलब बढ़ जाती है। हम बच्चों से ऐसी ऐसी चीज़ें करवाएंगे, ठीक है, उनके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग, जिससे कि उनकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो भी डेवलप होगी। इंटरेस्टिंग बनाएंगे चीज़ों को तो बच्चों की पार्टिसिपेशन भी कैसी होगी, एक्टिव होगी, ना कि पहले की तरह वो एक पैसिव लिसनर बन के रह जाएंगे क्लास में कि आई टीचर ने बोला और बच्चों ने सुना और बोरिंग तरीके से क्लास अटेंड करी एंड देन खत्म। लेकिन इसमें अप्रोचेस में क्या होता है कि हम बच्चों की नीड्स देख रहे हैं, इंटरेस्ट देख रहे हैं, अलग अलग तरीके से उनको पढ़ा रहे हैं ताकि बच्चे क्या रहे उस प्रोसेस में, एंगेज रहें। तो जब वो एंगेज रहेंगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। हमने इसमें हर बच्चे की जितनी भी नीड्स हैं उनको एड्रेस करना है, मतलब कंसीडर करना है, जिस बच्चे को जैसे समझ आता है हमने उसको उस मेथड से पढ़ाना है। ओके, इसके बाद ये तो आ गया आपका जी पैडागॉजिकल अप्रोचेस के बारे में। अब आते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के बारे में कि क्या है। देखो, CWSN का मतलब है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ऐसे बच्चे जिनकी थोड़ी सी नीड्स जो हैं वो अलग से हैं, ठीक है, जिनको थोड़ी एडिशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, जिनको अलग से एकोमोडेशन की ज़रूरत है। कौन है वो बच्चे जो शायद फिजिकली चैलेंज्ड हैं, कॉग्निटिवली चैलेंज्ड हैं, सेंसरी या फिर में डेवलपमेंटल चैलेंजेस हैं। तो ऐसे बच्चे मान लो जो थोड़े से क्या है और बच्चों से अलग हैं, तो हमें उनको अगर थोड़े बहुत अलग है तो हम उनको बस एक एडिशनल सपोर्ट दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा है तो हम उनको जो है अलग से अकोमोडेशन दे सकते हैं, मतलब अलग से उनके लिए स्कूल्स बनाए जाएंगे। वैसे तो इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो ये एम्फेसिस करता है कि सभी बच्चों को एक साथ एजुकेशन दी जाए, ठीक है, इसी को ही वो एनकरेज करता है। तो हमने अपने करिकुलम में, अब देखो इन बच्चों के हिसाब से क्या क्या चीज़ें करनी है, कैसे अप्रोचेस चूज़ करनी है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पैडागॉजिकल अप्रोचेस जो हैं, ठीक है, इनकी स्पेशल नीड्स को पूरा करने के लिए वो अलग अलग तरह की हैं, मतलब हर बच्चे के हिसाब से एक अलग पैडागॉजिकल अप्रोच होनी चाहिए हमारी। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहली अप्रोच क्या है, करिकुलम अडेप्टेशन, मतलब कि हमने बच्चे की नीड्स के हिसाब से करिकुलम को क्या करना है, चूज़ करना है, उसमें चेंजेस लाने हैं, उसको अडेप्ट करना है। तो इसमें देखते हैं, करिकुलम अडेप्टेशन फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड इन्वॉल्व्स मॉडिफाइंग द रेगुलर क्लासरूम्स टू केटर देयर इंडिविजुअल नीड्स, एबिलिटीज एंड लर्निंग स्टाइल्स। हमने करिकुलम जो है इस तरह से चेंज करना है या इस तरह का अडॉप्ट करना है इन चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के वाले बच्चों के लिए, जिसमें जो है हम रेगुलर क्लासरूम्स जो है उनको मॉडिफाई कर सकें, ठीक है। और उस मॉडिफाइड क्लासरूम में हमने क्या एम रखना है कि हर बच्चे की नीड्स, उनका लर्निंग स्टाइल, उनकी एबिलिटीज, हर चीज़ को प्रॉपरली केटर किया जाए।
क्योंकि हम एक इंक्लूसिव क्लासरूम की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे ये नहीं बोल रहे कि जो बच्चे स्पेशल नीड वाले हैं उनको हम अलग किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, हम अलग उनके लिए क्लासरूम्स बना रहे हैं, हम वो नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर कह रहे हैं कि रेगुलर क्लासरूम्स जो हैं हम एक ही साथ उन बच्चों को पढ़ाएंगे, रेगुलर जो नॉर्मल बच्चे हैं उन्हीं के साथ, पर हम करिकुलम में ऐसे अडेप्टेशन करेंगे, करिकुलम में ऐसी मॉडिफिकेशन करेंगे जिससे कि हम उस रेगुलर क्लासरूम को क्या कर देंगे, ऐसे मॉडिफाई कर लेंगे कि उसमें हर तरह के बच्चे की नीड्स जो हैं वो पूरी हो सकें। उसके बाद अब मॉडिफिकेशंस क्या क्या हैं, देखो एक रेगुलर क्लासरूम में हम क्या क्या मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं इनकी नीड्स को पूरा करने के लिए। सबसे पहला है इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग प्लान्स। इंडिविजुअल का लर्निंग प्लान होना चाहिए, हर बच्चे की हमें स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, वीकनेस पता होनी चाहिए कि क्या लर्निंग गोल है उस बच्चे का। जब हमें यह सब पता चलेगा उस बच्चे के बारे में तो हम क्या कर सकते हैं उसकी उन स्ट्रेंथ वीकनेसेस लर्निंग गोल्स नीड्स इंटरेस्ट उसके बेस पे क्या कर सकते हैं अपने करिकुलम में डिजायर्ड मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। उन बच्चों के लिए जैसा मेथड उनको पसंद है उस हिसाब का टीचिंग मेथड हम उनके लिए अडॉप्ट कर सकते हैं। उन बच्चों को असेस करने के लिए हम उनके हिसाब से ही असेसमेंट स्ट्रेटजीज चूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये हो गया इंडिविजुअलाइज लर्निंग प्लान। दूसरा है सिंप्लीफाइड कॉन्टेंट। सिंप्लीफाइड कॉन्टेंट का मतलब है कि जो भी हम कॉन्टेंट बच्चों को पढ़ाएंगे ठीक है वो कैसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को छोटे छोटे सिंपलर पार्ट्स में जो है वो तोड़ के हमने उनको पढ़ाना है। क्लियर लैंग्वेज में होना चाहिए, ऐसी लैंग्वेज ना हो हार्ड वर्ड्स जो है वोकैबुलरी यूज़ हो रही है जिसमें बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा है उसका मीनिंग ठीक है। तो उनके हिसाब से जो है लैंग्वेज होनी चाहिए कि उनको समझ आ जाए ठीक है। विजुअल एड्स होने चाहिए, मतलब अगर छोटी क्लासेस हैं तो पिक्चराइजेशन के थ्रू उनको ज़्यादा समझाना है बच्चों को ताकि जो है उनको देख के चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाए उनको, क्योंकि जो आपकी विजुअल एड्स होते हैं ना वो एक लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं क्योंकि उनका जो इम्पैक्ट होता है ना लर्निंग में वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर एक टीचर जो है वर्बली बच्चों को पढ़ा रही है ठीक है, क्योंकि बच्चों की ना अभी उस टाइम पे कॉन्क्रीट थिंकिंग होती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं होती है उस एज में छोटे बच्चों में ठीक है। तो अगर आप उनको जैसे बोल रहे हो बच्चों इमेजिन करो ये है वो है तो बच्चे उस टाइम पे उतने कैपेबल नहीं है कि वो उस चीज़ को इमेजिन कर सके। हाँ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो उनको पता है जैसे एप्पल मैंगो जो चीज़ें उन्होंने देखी उनको तो वो फिर भी इमेजिन कर सकते हैं, बट अगर कुछ ऐसी चीज़ जो उन्होंने देखी ही नहीं है जिसका उनको कोई आइडिया ही नहीं है तो ऐसी चीज़ों को बच्चों को क्या हो रहा है इमेजिन करने में डिफिकल्टी आ रही है। तो अगर आप उस चीज़ को पिक्चर के थ्रू बच्चों को बताओगे तो बच्चों को क्या होगा, एक तो याद रहेगी कि हमारी मैम ने अच्छा वो चीज़ हमें दिखाई थी तो उनको वो एक तो लंबे टाइम के लिए याद रहेगी, दूसरा बच्चे भी क्या करेंगे उस चीज़ को इंटरेस्टिंग वे में सीखेंगे भी क्योंकि आज भी हमारी टीचर आज पता नहीं कौन सी चीज़ हमें दिखाएंगे है ना, तो वो एक्साइटेड होकर बच्चे क्लास में बैठेंगे। तो इस तरह से हमारा कंटेंट कैसा होना चाहिए, एक तो कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, दूसरा क्लियर लैंग्वेज में होना चाहिए और विजुअल एड्स आपने यूज करनी है। ये सारी चीजें हम किसमें पढ़ रहे हैं कि हमने क्लास को कैसे मॉडिफाई करना है इन बच्चों की नीड्स के हिसाब से। पहला तो हमने क्या बोल दिया कि हमने उनकी स्ट्रेंथ देख ली, वीकनेसेस देख ली, फिर उसके हिसाब से उनकी नीड्स जो है क्या क्या चाहिए बच्चों को क्लास में करिकुलम में वो चेंजेस ला दिए, कैसे टीचिंग मेथड्स इनको पढ़ाना है ठीक है, क्या ये बच्चे इतने हैं कि इनको लेक्चर मेथड से पढ़ाया जाए, क्या ये बच्चे ऐसे इनको प्रोजेक्ट मेथड से पढ़ाया जाए, किस तरह का इंस्ट्रक्शन मटीरियल इनके लिए यूज करना है, तो वो सारी चीजें आपने असेस कर ली। फिर उसके बाद आपने कंटेंट चूज करना है, कंटेंट कैसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, विजुअल एड्स उसमें यूज होने चाहिए। तीसरा है मल्टी सेंसरी लर्निंग। तो जब आप क्लास में पढ़ा रहे हो तो आपका जो मेन मोटिव होना चाहिए एज अ टीचर वो होना चाहिए मल्टी सेंसरी अप्रोच, मतलब कि बच्चों की मल्टीपल सेंसेस जो है लर्निंग के टाइम पे इन्वॉल्व होनी चाहिए। ये नहीं कि अगर देख रहे हैं तो बस साइट वाली सेंस ही चल रही है उनकी, बस देख देख के ही सीख रहे हैं, या सुन रहे हैं तो आंखें बंद करके जी सत्संग की तरह सुने जा रहे हैं टीचर क्या बोल रहा है ठीक है। तो बच्चों की अप्रोच जो होनी चाहिए लर्निंग की वो कैसे होनी चाहिए, मल्टी सेंसरी होनी चाहिए। उनसे ऐसी चीजें करवाएंगे हम, एक्टिविटीज करवाएंगे, एक्सपेरिमेंट्स कराएंगे, साउंड प्रोजेक्टर्स के थ्रू उनको पढ़ाएंगे, वीडियोस के थ्रू उनको पढ़ाएंगे, जिसके थ्रू उनकी क्या सारी सेंसेस यूज हो रही हैं, वो देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल कोई चीज़ है तो उसको करके भी देख रहे हैं। हैंड्स ऑन एक्टिविटीज पे तो हमें मैक्सिमम एम्फेसिस करना चाहिए ठीक है, क्योंकि बच्चे जब तक खुद से नहीं करेंगे ना चीज़ें तब तक उनको वो उतनी अच्छे से चीज़ें समझ नहीं आती हैं। तो मल्टी सेंसरी अप्रोच जो है वो हमारी होनी चाहिए। उसके साथ और कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल असेसमेंट होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल मतलब कि एक कॉन्क्रीट असेसमेंट वाला मेथड नहीं होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर असेसमेंट का अपने अप्रोच चूज कर ली कि मैं इसी के थ्रू मैं ओरल टेस्ट लूँगी तो मैं सबसे ओरल ही टेस्ट लूँगी, मैं उसी के बेस पर असेस करूँगी बच्चों को ठीक है। वट इफ अगर उस क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो नहीं बोल सकता है या उसको बोलने में दिक्कत आती है, स्पीच इंपेयरमेंट है उस बच्चे में, आप उस बच्चे को फिर कैसे असेस करोगे ठीक है। तो आपका जो असेसमेंट की अप्रोच है ना वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि जिस बच्चे को आप जिस वे से असेस कर सकते हो आपको उसको उसी तरह से असेस करना है। उसको आपने ये नहीं कि आपने एक मेथड डिसाइड कर लिया और आपने थोप दिया बच्चों पे कि मैं तो आपको जी इसी मेथड से ही पढ़ाऊंगी, सॉरी इसी मेथड से ही असेस करूंगी, अब जो बच्चा इसको फॉलो करेगा उसको मैं पास कर दूंगी, जो नहीं करेगा उसको मैं फेल कर दूंगी। तो इस तरह का अप्रोच आपने नहीं रखना है, आपका असेसमेंट का तरीका जो है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। आप ओरली असेस भी कर सकती हो बच्चों को, कोई असाइनमेंट दे दिया, प्रोजेक्ट दे दिया, क्वेश्चन पेपर के थ्रू हैंड रिटन फॉर्म में ले लिया, किसी भी तरह से जो है बच्चे को असेस कर सकते हो। देन एक्सटेंडेड टाइम एंड पेसिंग। एक्सटेंडेड टाइम एंड पेसिंग का मतलब है कि क्योंकि बच्चे हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की, ऐसे बच्चे जो नॉर्मल नहीं है, जिनकी थोड़ी सी डिमांड्स क्या है अलग है, जिनको थोड़ी सी सपोर्ट की जरूरत है, हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं यहाँ पे ठीक है। तो ऐसे बच्चे हैं ऑब्वियसली बात है वो नॉर्मल बच्चों की तरह तो नहीं होंगे कि जल्दी जल्दी से अपना काम किया और जल्दी जल्दी से सबमिट कर दिया, उनको थोड़ा क्या चाहिए, थोड़ा टाइम चाहिए, उनका एक स्लो प्रोसेस है, हम धीरे धीरे करेंगे चीज़ों को। तो ये नहीं कि एज अ टीचर आपने जी इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको, इतने ही टाइम पीरियड में ये चीज़ कंप्लीट करनी है ठीक है, उन बच्चों को वो टाइम ही नहीं मिला करने का और आपने पेपर छीन लिया उनसे, जो भी आप करवा रहे हैं उनसे आपने उनको नहीं करने दिया उस टाइम पीरियड में, तो वो आपको नहीं करना है। आपको पता है कि ये बच्चे थोड़े स्पेशल नीड वाले हैं, उनको आपको एक्स्ट्रा टाइम देना है, इतना टाइम दो कि वो अपने आप वो असाइनमेंट सबमिट कर सके अपने आप करके
ठीक है, या जो भी उनको काम दिया है या जो भी टास्क है उनका, वो अपने हिसाब से अपनी स्पीड से करें, ठीक है। इससे क्या होगा, उनको कोई अगर रश नहीं होगा कि अब हमसे हमारी टीचर ले लेगी, हमसे तो ये चीज़ हुई ही नहीं, ठीक है। तो वो नहीं करनी है आपने, बच्चों को एक अप्रोप्रिएट टाइम देना है, जितना उनको चाहिए उस चीज़ को करने के लिए उतना टाइम दो, ठीक है जी। फिर है पीयर सपोर्ट एंड कोलैबोरेशन। पीयर सपोर्ट एंड कोलैबोरेशन मतलब कि अपने साथ वालों के साथ मिलकर वो भी कुछ सिखाएंगे, ठीक है, उनसे हम स्किल डेवलपमेंट करेंगे कोई चीज़। तो इससे क्या हो रहा है, बच्चे जब अपने कोमेट्स के साथ सीखते हैं ना चीज़ों को, तो एक तो उनमें सोशल डेवलपमेंट आती है, सोशल होते हैं वो बच्चों औरों के साथ, ठीक है। अगर बच्चा खुद में ही रह रहा है ना, तो उसमें सोशल स्किल्स डेवलप नहीं होती हैं, वो लोगों के साथ एकदम से फ्रेंडली नहीं हो सकता है, बातचीत नहीं कर सकता है। तो जब वो पीयर सपोर्ट और कोलैबोरेशन होगी, तो बच्चे में क्या होगी, सोशल स्किल्स डेवलपमेंट होगी, ठीक है, सोशल इंटरेक्शन बढ़ेगी। फिर है सुटेबल मैथ मटेरियल्स। तो बच्चों के लेवल के हिसाब से, उनकी उनकी चिल्ड्रन हैं जिनको स्पेशल नीड्स हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, वो कितने लेवल तक की चीज़ों को समझ सकते हैं, उसके हिसाब से उनकी टेक्स्ट बुक्स होनी चाहिए, उनकी वर्क बुक्स होनी चाहिए, ठीक है। लर्निंग मटेरियल उस हिसाब का होना चाहिए। ये नहीं कि बच्चे के अंदर अभी उतनी मतलब कैपेबिलिटी नहीं है उस लेवल का पढ़ने की, और आप उनको बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें दे रहे हो पढ़ने के लिए, आपको वो नहीं करना है, आपको उनकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो है वो चीज़ें रखनी है। फिर रेगुलर असेसमेंट। ओके, आपने क्या करना है, रेगुलरली उन बच्चों को क्या करते रहना है, असेस करते रहना है, ताकि अब आप जब आपको उन बच्चों से फीडबैक मिलेगा ना, तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं, कहाँ उस बच्चे को और इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कहाँ आपको अपने टीचिंग में चेंजेस लाने हैं। तो जब आप रेगुलरली असेस करते रहोगे ना, तो आपको सारी कमियाँ और खामियाँ मिलती रहेंगी अपने में भी और बच्चों में भी। फिर आप उस हिसाब से अपना करिकुलम दोबारा से मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है, और अपनी टीचिंग को भी इंप्रूव कर सकते हो और बच्चों की लर्निंग को भी बढ़ा अच्छा कर सकते हो, है ना। फिर एम्फेसिस ऑन लाइफ स्किल्स। एम्फेसिस ऑन लाइफ स्किल्स है कि आपने मेन मोटिव जो होना चाहिए बच्चों का, वो है कि जो बेसिक स्किल्स है ना बच्चों की, जिनको डेली लाइफ में काम आएंगी, आपने उस पे ज़्यादा फोकस करना है। जैसे उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, सोशल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, फंक्शनल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। फंक्शनल स्किल्स मतलब लिखना पढ़ना तो उनको बेसिक आना ही चाहिए, ठीक है। तो आपने इस तरह की लाइफ स्किल्स के ऊपर भी क्या रखना है, फोकस रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग अप्रोच की। एक्टिविटी नाम से ही पता चल रहा है कि हम क्या करेंगे, एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को पढ़ाएंगे। इसमें हम हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ करवाएंगे उनसे, ताकि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी बढ़े और लर्निंग प्रोसेस में उनकी एंगेजमेंट भी बढ़े। इसमें सबसे पहले बात करते हैं सेंसरी एक्टिविटीज़ की। सेंसरी एक्टिविटीज़ मतलब कि मल्टीपल सेंसेस को आपने इसमें एंगेज रखना है, ठीक है। तो आप उनको कोई टेक्सचर मटेरियल दे सकते हो खेलने के लिए, क्योंकि एक्टिविटी है ना, खेल खेल में आप बच्चों को पढ़ा रहे हो। आपने बच्चों को क्या दिया, अलग अलग टेक्सचर का कोई मटेरियल दे दिया, तो फिर बच्चे खेल खेल में सीखेंगे कि अच्छा स्मूथ सर्फेस ऐसा होता है, रफ ऐसा होता है, इस पर्टिकुलर चीज़ का टेक्सचर ऐसा होता है, ठीक है। तो आप खेल खेल में ही बच्चों को क्या करवा रहे हो, टेक्सचर के बारे में पढ़ा रहे हो, है ना। सेंटेड आइटम्स के साथ आप उनको दे सकते हो कि कोई एक्टिविटी दे दी जिसमें आपने उनको अलग अलग फ्रेग्रेंसेस दे दी, उससे बच्चा क्या करेगा, खुद से फ्रेग्रेंस को एनालाइज करेगा कि इसकी ये फ्रेग्रेंस होती है, उसकी ये फ्रेग्रेंस होती है, ठीक है। तो यहाँ से भी बच्चे को लर्निंग हो रही है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए कि अच्छा गिटार है तो इसकी इस तरह का साउंड आएगा, तबला है इसका ये आएगा, फ्यूट है तो ये आएगा, है ना, हारमोनियम है तो उसका ये आएगा। और आपका प्लेइंग विद फूड, अलग अलग फूड को आप उनको टेस्ट करवाते हो, उनको टेस्ट बता सकते हो कि बिटर कैसा होता है, स्वीट कैसा होता है, सार कैसा होता है, सॉल्टी कैसा होता है। तो इस तरह से आपने क्या करना है, उनकी सेंसेस को यूज़ करवा के आपने उनसे क्या करवानी है, एक्टिविटी के थ्रू लर्निंग करवानी है। देखो उसमें आपका टच भी यूज़ हो गया, आपका स्मेल भी यूज़ हो गया, आपका हेयरिंग भी यूज़ हो गया, आपका टेस्ट भी यूज़ हो गया, देख कर तो वो चलो फिर सीखते ही रहते हैं ना। फिर उसके बाद है टैक्टाइल एक्सप्लोरेशन। टैक्टाइल का मतलब जो वर्ड होता है ना, टैक्टाइल इसका मतलब होता है टच से रिलेटेड। तो आपने बच्चों को ना अलग अलग चीज़ों को टच करवा के उनसे बताना है कि टच करके उनको एक्सप्लोर करेंगे वो चीज़ों को, कि इसका टेक्सचर कैसा है, इसकी शेप कैसी है। जैसे अगर उनको रूबिक क्यूब दे दिया, तो आपने वो ऐसे टच करके देखेंगे कि कौन सी शेप है। अगर राउंडेड बॉल दे दी, तो वो देखेंगे कि अच्छा ये तो स्फीयर है, है ना। रिंग दे दी तो ये सर्कल है। इस तरह से आपने उनको जो है वो चीज़ों को टच करवा के अलग अलग चीज़ों का नॉलेज देना है। फिर विजुअल आर्ट्स। विजुअल आर्ट्स तो आपको पता ही है, ड्राइंग हो गई, पेंटिंग हो गई, इस तरह से क्राफ्टिंग हो गई। इस तरह से आपने बच्चों को प्रैक्टिस करवानी है ड्राइंग की, पेंटिंग। इससे क्या होता है कि तो उनकी क्रिएटिविटी होती है ज्यादा, ठीक है। बच्चे जो है कई बार ऐसा होता है, अगर आपने तारे जमीन पर मूवी देखी है, हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करा था, तो उस बच्चे को जो है वो क्या था, डिसलेक्सिया था, उसको वर्ड से बड़ी दिक्कत होती थी, उसको नहीं समझ आते थे शब्द, सब उल्टे पुल्टे दिखते थे, ठीक है। लेकिन उसकी क्रिएटिविटी बड़ी अच्छी थी, वो चीज़ों को ना ड्रॉ बहुत अच्छे से करता था। तो वो बच्चा जो है, अगर आप उसको इस तरह से ड्राइंग, पेंटिंग, क्राफ्टिंग ये चीज़ें सिखाते हैं, तो क्या है, वो अपनी जो भी उनकी इनर एक्सप्रेशन है ना, वो उसको बड़े अच्छे ड्राइंग में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इससे उनकी फाइन मोटर स्किल्स होती है, जो छोटी बारीक बारीक जो स्किल्स होती है ना, जैसे ड्राइंग करेंगे तो कितनी बारीक बारीक चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तो जो छोटी मोटी जो मसल मूवमेंट्स होती है ना हल्की हल्की, उनको उनमें भी डेवलपमेंट होती है, फाइन मोटर स्किल्स उनमें डेवलप होती है, ठीक है। तो विजुअल आर्ट्स हो गए। देन रोल प्ले। रोल प्ले क्या होता है, देखो रोल प्ले होता है कि आपने कोई भी टॉपिक बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है। जैसे आप अगर बच्चों को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा रहे हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ाओगे तो हर एक बच्चे को एक पर्टिकुलर रोल दे दो, ठीक है। फिर उसके हिसाब से उनको एक रोल प्ले करके बच्चा बताओ। तो इससे क्या हो रहा है, एक तो बच्चों के उनको कॉन्सेप्ट तो समझ आ ही रहा है, साथ में उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी, क्योंकि वो बोलेंगे मुझसे तो कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेगी। जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, सोशल स्किल्स बढ़ेंगी, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग बढ़ेगी। कई बार आप उनको बच्चों को ऐसे सिनेरियोज रोल प्ले के थ्रू बताओगे, तो कभी इन फ्यूचर कभी लाइफ में अगर उनको वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो उनके पास क्या हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो, उस प्रॉब्लम से कैसे डील करना है, ठीक है। तो रोल प्ले हो गया। देन इंटरेक्टिव गेम्स। देखो टीचर क्लास में ना बच्चों से बड़ी सारी गेम्स के थ्रू भी क्या करवा सकता है,
क्विज खिलवा दिया बच्चों से क्लास में, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें बच्चों से जो है टीचर क्लास में करवा सकता है, जिसमें क्या होगा बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, इंजॉय करेंगे उस प्रोसेस को और उनको चीज़ें जो है वो अच्छे से समझ आएंगी। फिर है स्टोरी टेलिंग एंड ड्रामा। मान लो कि आप बच्चों को पुरानी किसी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा रहे हो, रामायण के बारे में समझा रहे हो, कोई स्टोरी पढ़ा रहे हो, तो ठीक है आप बच्चों को ना थोड़ा स्टोरी जैसे बताते हैं ना, तो बच्चों को बड़ा इंटरेस्ट आता है ऐसी चीज़ों में, तो आप उस तरह से भी पढ़ा सकते हो, ड्रामा करके पढ़ा सकते हो, है ना। टीचर जो है ना बच्चे को अगर आएगा और सुस्त तरीके से पढ़ा के चला जाएगा ना, तो बच्चे कभी भी उस चीज़ में इंजॉय नहीं करते हैं। अगर टीचर जो है आएगा बहुत ड्रामेटाइज करके चीज़ों को पढ़ाएगा, बच्चों को भी इन्वॉल्व करेगा उस प्रोसेस में, तो बच्चे भी क्या करते हैं उस प्रोसेस को बड़ा इंजॉय करते हैं पढ़ने के प्रोसेस को, और रोज़ बड़े ध्यान से सुनेंगे क्लास में कि क्या पढ़ा रहे हैं और क्या नहीं पढ़ा रहे हैं। उसके बाद हैंड्स ऑन साइंस एक्सपेरिमेंट्स, मतलब कि जितने भी साइंस के एक्सपेरिमेंट्स हैं वो उनसे करवाने हैं खुद से, जब वो खुद से करेंगे तो वो चीज़ें उनको ज़्यादा समझ आएंगी। उसके बाद है नेचर एक्सप्लोरेशन। नेचर एक्सप्लोरेशन है कि बच्चों को आप बाहर ले जाओ घुमाने फिराने के लिए, उनको बाहर नेचर दिखाओ, एनिमल्स दिखाओ, प्लांट्स दिखाओ, ले जाओ उनको जू ले जाओ, दिखाओ उनको एनिमल्स के बारे में, है ना, उनको म्यूजियम में ले जाओ, उनको हर्बेरियम्स में ले जाओ, वहाँ दिखाओ उनको कि प्लांट्स कैसे हैं, क्या नाम है इनके। तो इससे एक तो बच्चों में क्यूरोसिटी बढ़ जाती है, उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स भी डेवलप होती हैं, और वो एनवायरमेंट के लिए अप्रिसिएशन भी डेवलप करते हैं। जब हम उनको बताएंगे ना कि पेड़ों से हमें इतनी चीज़ें मिलती हैं, ये हमारे इस तरह से हेल्प करते हैं, तो बच्चों को क्या होगा उस पेड़ की वैल्यू समझ आएगी कि इस पेड़ को हमने कैसे बचा के रखना है, कि ये हमारे को कितनी चीज़ें दे रहा है, तो बच्चों में एक वैल्यू भी जनरेट होती है। उसके बाद कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स, मतलब कि सब बच्चों को मिलजुल के एक काम दे देंगे ग्रुप बना के, कि चलो बच्चों तुम सारे मिलकर जो तुम्हारा एक ग्रुप ही है, तुम ये काम करो, दूसरा ग्रुप है ये काम करो। इससे क्या हो रहा है उनमें टीम वर्क की भावना प्रमोट हो रही है, सोशल स्किल्स डेवलप हो रही है। उसके बाद है पजल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, पजल्स दो उनको करने के लिए, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस दो उनको करने के लिए, इससे उनकी क्रिटिकल थिंकिंग भी बढ़ेगी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज भी इंक्रीज होंगी। नेक्स्ट इज यूजिंग स्पेशली डिजाइंड रिसोर्स मटेरियल। अब आपने चिल्ड्रन जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं उनके लिए आपने रिसोर्स मटेरियल भी क्या रखना है, उनके लिए अलग ही रखना है, स्पेशली डिजाइन करना है। तो ये जो एजुकेशनल मटेरियल जो आप उनको प्रोवाइड करवाओगे ना, कि उनके लर्निंग स्टाइल, उनकी एबिलिटी, उनकी नीड के हिसाब से आपने बनाना है। तो इससे क्या होगा कि जब उनको उनके हिसाब का लर्निंग मटेरियल मिलेगा, जिस बच्चे को जिस हिसाब की नीड है, जिस हिसाब का इंटरेस्ट है, उस हिसाब का लर्निंग मटेरियल जब उनको मिलेगा, तो उससे जो है वो लर्निंग जो है वो क्या होगी, अगेन मीनिंगफुल होगी। विजुअल सपोर्ट्स, वही विजुअल एड्स आपने उनको देने हैं ताकि ज़्यादा बेटर लर्निंग हो। सुटेबल टेक्स्ट, सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए जो अभी आप उनको टेक्स्ट प्रोवाइड करवा रहे हो रिसोर्स मटेरियल में। फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए ताकि दिख जाए सब बच्चों को। क्लियर स्पेसिंग होनी चाहिए, एकदम कंजस्टेड ना हो कि बच्चों को पता ही ना चले दो शब्द कहाँ अलग हो रहे हैं। प्रॉपर स्पेसिंग अच्छे से होनी चाहिए। देन टेक्टाइल मटेरियल्स वही जैसे मटेरियल जिनको आप टच के थ्रू एक्सपीरियंस कर सकें। इससे प्रमोट क्या होगी कि उनकी सेंसरी लर्निंग प्रमोट होगी, दूसरा हैंड्स ऑन एक्टिविटी प्रमोट होगी। कस्टमाइज्ड मटेरियल का मतलब होता है कि उनकी नीड्स के हिसाब से स्पेशल बच्चों को, जो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको थोड़ी अलग सी नीड्स हैं, ठीक है, बाकियों के कंपैरिजन में, तो आपने उनके हिसाब से कस्टमाइजेशन करनी है। कस्टमाइजेशन तो पता है आज की डेट में आपकी कस्टमाइज ड्रेसेस होती हैं, केक्स होते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब आप अपने इंटरेस्ट अपने हिसाब से जो है उन चीज़ों को डिज़ाइन करवा सकते हो। तो वैसे मटेरियल जैसे स्टोरी बोर्ड है, अगर मुझे बच्चों के अंदर सोशल कोई वैल्यू इनकलकेट करवानी है, तो मैं उनको ऐसे स्टोरी बोर्ड्स के थ्रू, मतलब स्टोरी बोर्ड्स क्या होते हैं, मतलब पिक्चराइजेशन के थ्रू एक स्टोरी बताई गई होती है, ठीक है। अगर मैं किसी में सोशल वैल्यू डेवलप करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, उसमें ऐसी चीज़ें, ऐसी पिक्चर्स डालूंगी जिससे कि वो सोशल वैल्यू उनमें इनकलकेट हो, वो सीखें उस चीज़ से कुछ अच्छा सा। तो मैं अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज करवा रही हूँ। एक्टिविटी शीट्स भी यही होती हैं कि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होती है उसमें बच्चों को फिल करने के लिए वो दी जाती हैं, दैट इज़ योर एक्टिविटी शीट्स। उसके बाद है सोशल स्टोरीज, बच्चों को सोशल सिचुएशन बतानी है हमने, उनको उनका एक्सपेक्टेड बिहेवियर बताना है, तो उसके लिए हम उनको सोशल स्टोरीज भी बताएंगे। उसके बाद है कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव लर्निंग। तो कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है, देखो सबसे दोनों सेम ही होती है काफ़ी हद तक, थोड़ा बहुत इनमें फर्क होता है। कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है जब आप जो है लार्ज ग्रुप बनाते हो बच्चों का जिसमें आप उनको कुछ सिखाते हो, और कोऑपरेटिव में आप छोटे छोटे ग्रुप्स बनाते हो जिसमें कि बच्चे एक साथ चीज़ों को सीखते हैं। इसमें जो कोऑपरेटिव लर्निंग होती है ना, इसमें उनका जो टास्क होता है उसको डिवाइड कर देते हैं ग्रुप्स में, ग्रुप के मेंबर में, कि एक मेंबर का ये काम है, दूसरे मेंबर का ये काम है। और कोलैबोरेटिव में ऐसा कुछ नहीं होता, ग्रुप कोलैबोरेटिव में सारे मिलजुल कर अपनी एक दूसरे की जो भी थॉट्स हैं उनको शेयर कर रहे होते हैं, आइडियाज़ को शेयर कर रहे होते हैं, एक कॉमन टास्क कर रहे होते हैं। उसके बाद ये जो कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव लर्निंग है, ये बच्चों में टीम वर्क को इनकल बढ़ाती है, उनमें टीम वर्क की भावना पैदा करवाती है, बच्चे एक दूसरे की हेल्प करते हैं, आइडियाज़ को शेयर करते हैं, बच्चों में लिसनिंग और टॉकिंग स्किल्स डेवलप होती हैं कि जब वो बात करे तो कैसे बात उनको करनी है, कितनी बात करनी है, सुनने की भी स्किल्स होनी चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें लिसनिंग स्किल्स बिल्कुल जीरो होती हैं, वो अपना बोलते रहते हैं और दूसरे को सुनते नहीं है, ठीक है। तो जब आप इस तरह से उनसे कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव लर्निंग करवाओगे, तो बच्चों में लर्निंग स्किल्स भी डेवलप होंगी और टॉकिंग स्किल्स भी डेवलप होंगी। उसके बाद है टीम टीचिंग। अब हम पढ़ेंगे टीम टीचिंग के बारे में। टीम टीचिंग क्या होती है, इट इज़ एन इनोवेटिव वे ऑफ टीचिंग। इन दिस मेथड ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट टीचर्स आर इन्वॉल्व्ड इन प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड इवेल्युएटिंग द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। तो टीम टीचिंग क्या है, एक अलग सा मेथड है, नया मेथड है टीचिंग का। इसमें जो है दो से ज़्यादा टीचर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं टीचिंग प्रोसेस में, ठीक है, जिसमें वो एक साथ मिलकर प्लानिंग करते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं, इवेलुएट करते हैं स्टूडेंट्स को। इसको को टीचिंग भी बोलते हैं, और ये सबसे पहले जो है USA में डेवलप हुई थी 1950 में। अब ये अलग अलग तरह की होती है। टाइप्स ऑफ टीम टीचिंग क्या है, देखो सबसे पहला है टीचिंग विद इन अ सिंगल डिसिप्लिन।
मतलब कि एक ही डिसिप्लिन, एक ही सब्जेक्ट है, उसको बहुत सारे टीचर्स जो है वो पढ़ा रहे हैं। जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश को दो या दो से ज़्यादा टीचर जो है सेम क्लास को पढ़ाएंगे, उसको हम बोलते हैं टीचिंग विद इन अ सिंगल डिसिप्लिन। फिर उसके बाद है को टीचिंग। तो को टीचिंग में जो दोनों टीचर्स है ना, वो दोनों जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो एक साथ इंस्ट्रक्शंस भी डिलीवर कर रहे हैं, एक साथ पढ़ा भी रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि इससे उनमें जो है ना स्टूडेंट्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसकी भी शेयरिंग हो रही है, कोलैबोरेशन भी प्रमोट हो रही है। फिर आते हैं टीम टीचिंग बाय कंटेंट। टीम टीचिंग बाय कंटेंट का मतलब है कि मल्टीपल टीचर्स हैं एक सब्जेक्ट के, ठीक है, कुछ एक टीचर ऐसा है जिसका एक पर्टिकुलर कंटेंट में स्पेशलाइजेशन है, ठीक है, दूसरा उसका किसी और कंटेंट में स्पेशलाइजेशन है, तो अपने अपने कंटेंट को पढ़ाने के लिए वो टीचर आएंगे, मतलब एक ही सब्जेक्ट है और उसको अलग अलग टीचर आएंगे पढ़ाने के लिए। जैसे अगर मैं बात करूँ कि इंग्लिश की, तो इंग्लिश का जो बुक वाला पार्ट है, ठीक है, एक टीचर की स्पेशलाइजेशन है उस पोइट्री वाले सेक्शन को पढ़ाने की, ठीक है, दूसरा टीचर है जिसको थोड़ा स्टोरीज वगैरह पढ़ाने में मजा आता है, उसका इंटरेस्ट उसमें है या फिर उसकी स्किल्स उसमें है, तो वो उसको पढ़ाएगी। एक टीचर है जिसको ग्रामर पोर्शन ज़्यादा अच्छे से आता है, तो वो ग्रामर पोर्शन पढ़ाएगी। तो मतलब कि जिसकी जिस स्पेसिफिक कॉन्टेंट या सब्जेक्ट में क्या स्पेशलाइजेशन है वो उसको पढ़ाएगी। तो मल्टीपल टीचर्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं। देन अल्टरनेटिव टीचिंग। अल्टरनेटिव टीचिंग का मतलब है कि एक टीचर जो है वो बड़े से ग्रुप को क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करवाएगा, जबकि दूसरा टीचर जो है वो छोटा सा ग्रुप ऑफ जिनको जो ज़्यादा स्पेशल नीड्स की जरूरत है, ठीक है, उनको पढ़ाएगा। मतलब एक तो रेगुलर क्लास में पढ़ाएगा बच्चों को टीचर, और दूसरा ऐसे बच्चे जिनको थोड़ी स्पेशल नीड्स मतलब जरूरत है उनको, एक टीचर उन बच्चों का ख्याल रखेगा, उनको पढ़ाएगा अलग से। उसके बाद है पैरेलल टीचिंग। तो पैरेलल टीचिंग है कि क्लास को दो स्मॉलर ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, दोनों एक एक टीचर जो है वो एक एक ग्रुप को पढ़ा रहे हैं और एक साथ एक ही चीज़ पढ़ा रहे हैं कंटेंट, ठीक है। जैसे कई क्लासेस होती हैं, अगर आप हायर ऐसे स्कूल्स में चले जाओ जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है बच्चों की, मल्टीपल सेक्शन होते हैं, तो वहाँ पर ऐसे ही होता है कि एक ही सब्जेक्ट होता है उसको दो क्लासेज में दोनों सेक्शन में अलग अलग टीचर पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन कंटेंट क्या है एक ही पढ़ाएंगे, सेम ही जो चैप्टर एक क्लास में पढ़ाया जाएगा वही चैप्टर दूसरी क्लास में भी उसी टाइम पढ़ाया जाएगा, तो उसको बोलते हैं पैरेलल टीचिंग। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, पेडागॉजिकल अप्रोचेस चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।